नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जागरण मंच के तत्वाधान में भव्य समारोह आयोजित किया गया। यहां पर उपस्थित सभी जनसमूह ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कारगिल योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अपने वीर जवानों के शौर्य और पराक्रम की बदौलत दुश्मनों पर प्राप्त की विजय का जश्न भी मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के संस्थापक अमरिंदर सिंह ने और मंच संचालन विक्रम पाल सिंह और सतीश गर्ग ने किया। स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित देशभक्ति से सराबोर इस कार्यक्रम में हरियाणा पुलिस हाउसिंग बोर्ड के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर आरसी मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि बराड़ा उपमंडल के एसडीएम विजेंद्र सिंह हुड्डा, मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर प्रकाश मिश्रा और लोकप्रिय समाज सेविका डॉक्टर शालिनी छिब्बर ने विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का शुभारंभ ज्योति प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर आरसी मिश्रा ने सभी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए युद्ध में देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जो भी सैनिक देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है वो अमर हो जाता है और साथ ही अमर हो जाती है। उस देश की कीर्ति और उसका अदम्य साहस, जिसकी गौरव गाथाओं से ही आने वाली पीढ़ियां अपने स्वर्णिम इतिहास को पहचान सकती हैं। शहीदों की ओर से देश प्रेम और रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करने का जो उदाहरण युद्ध के मैदान में शहीद होने वाले सैनिक प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं की शौर्य गाथाओं से प्रेरित होकर हमारी भावी पीढ़ियां देश सेवा के जज्बे से परिपूर्ण होंगी। इस अवसर पर डॉक्टर शालिनी छिब्बर ने कारगिल युद्ध के शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। उन्होंने एक हृदय स्पर्शी कविता के माध्यम से देश की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर सीमा पर दुश्मनों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर करने वाले भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य को बहुत सुंदर शब्दों में प्रस्तुत किया और वीरगति प्राप्त हुए सैनिकों की माताओं और बहनों के साहसिक बलिदान को भी नमन किया। बराड़ा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। ये क्यों ऐसा हुआ? हम लोग क्यों वीर गाथा को याद करते हैं? हम क्यों शहीद दिवस को याद कर रहे हैं? हम क्यों कारगिल दिवस को याद कर रहे हैं? इसका उत्तर है कि जो देश अपने वीरों को, अपने शहीदों को, अपने युवाओं को और अपने योद्धाओं को याद नहीं करता और उनका सम्मान नहीं करता, उससे ज्ञान नहीं प्राप्त करता, उससे भविष्य का जो उसको नॉलेज मिलती है, जो भविष्य का उसको एक रास्ता दिखता है वो नहीं लेता, तो वो देश हमेशा पीछे रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आपके सामने आपके पड़ोसी हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, किसी भी देश में देखो कहीं इस तरह की कहानियां नहीं मिलती और इसलिए वहां के लोगों को सबक नहीं मिलता कि जीवन का सबक क्या है, कैसे हम अपने लोगों को याद रखेंगे और कैसे उनको हम नमन करेंगे और उनसे क्या हम सीखेंगे। जल्दी जो हम शहीद दिवस ये मना रहे हैं, कारगिल दिवस मना रहे हैं, हम अपने उन शहीदों को याद कर रहे हैं, नमन तो कर रहे हैं, उनके परिवार वालों को भी नमन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम ये सबक भी ले रहे हैं, ये सीख भी ले रहे हैं कि आगे जरूरत पड़ेगी तो हमारे जो युवा हैं वो कैसे युद्ध के लिए तैयार होंगे, कैसे देश की रक्षा करेंगे, कैसे हमारे समाज की रक्षा करेंगे और कैसे भारत देश का गौरव आगे बढ़ाएंगे। इसलिए हम ये शहीद दिवस मनाते हैं और इससे हम अपने आने वाले युवाओं को प्रेरणा देते हैं। आपने देखा यहाँ पे दो नाटक जो है लोगों ने किया और उसमें उन्होंने पूरा उसको कॉपी किया जो हमारा कारगिल में हुआ था, उन चीजों को रिवाइज किया। जो हमारी युवा पीढ़ी सामने बैठी है उनको देखती है, उनसे प्रेरणा लेती है और प्रेरणा लेकर के वो भी प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने देश के लिए जो छावर हो जाऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना बलिदान दूंगा, मैं अपना खून दूंगा। जैसे चंद्रशेखर आजाद ने कहा था तुम मुझे, सुभाष चंद्र बोस ने, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो हमारी युवाओं को प्रेरणा चाहिए, हमारे युवाओं को कोई ना कोई जो है ऐसा प्रेरक होना चाहिए जो कि उनको आगे बढ़ा सके और ये आज नहीं, ये इतिहास के पन्नों में भी है।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।